मोहम्मद अल असदी ये इराक से आए हुए हैं। करबला मोहल्ला की सबसे बड़े अंजुमन के सदर है ये, जो अंजुमन टीवी से बताता है मातम करते हुए। और ये वहाँ पर जो है मातम में सबसे बड़ा इन्हीं का जो है ना, इन्हीं के अंजुमन का रहता है। और सारा जो है ना हंडिया वगैरह जो जो बताता है टीवी से, वो सारे इनके अपने पास सारे गोदामों में इनके पास, और बड़े बड़े गोदाम का पूरा सामान बाहर निकलता है और इस्तेमाल होता है। 10 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम को, इनके पूरे मखसूस रहती वहाँ पर। ये जमहूरी हैदरी के सरबराह आई करबला मोहल्ला की, और ये रोज़े आशूर मातम करते हुए, पूरी मातम करते हुए दरी मुबारक के पास भी जाते हैं। लोग इधर से जाकर उधर से निकलते हैं, यानी कि अंजुमन ये हमारे साथ का लश्कर और इमाम सरसान का लश्कर का लश्कर और रोजाना फिर जो जंजीर होती है हर मखसूसी में, जैसे शहजादे कासिम इस्लाम की मखसूसी में शहजादे कासिम इस्लाम की शक्ल निकलती है, शहजादे अकबर अलैहिस्सलाम की मखसूसी में शहजादे अकबर अलैहिस्सलाम के पास एक छवि निकलती है, जैसा शहजादे कासिम की एक छवि बनाते हैं और वो उनकी जन शादी के जैसा शादी के वैसा पूरा इहतमाम करते हैं। उसके बाद जो वो मैदान में जाते हैं जंग होती पूरा इहतमाम करते हैं। फिर शहजादे अकबर अलैहिस्सलाम का वैसे फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म उसी तरीके से ये पेश करते हैं। और इनका जो है असल में मोहम्मद अल असदी, इनको वहाँ पे लखब है सुमरी का, क्योंकि ये वो पूरा लिबास पहन के वहाँ पर जो है ये पूरा कारनामा अंजाम देते हैं। और पूरी फौज बताते हैं, फौजी यजीदी की भी और इमाम हुसैन की भी पूरी फौज बताते हैं, और उसके बाद में पूरी जंग बताते सारा जो है ना ये लोग एहतमाम करते हैं। करबला की मेन अंजुमन ही है करबला की, और सबसे बड़ी गुड़ो है वहाँ की, और उसके सदर है मोहम्मद अल असदी साहब, ये उनके फर्जंद है बाखर अल असदी, उनके फर्जंद है। ये हैदराबाद तशरीफ लाए हमारे लिए बाहर से फख्र है। और आज जो है पानी अंजुमन मासूमी अमीर साहब साहब दरबार से भी मुलाकात हो गई, और जवाहर खान आसिफ भी हमें मौजूद है यहाँ पर, जो मौजूद है मुश्तबा और सारे लोग जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ से। दुआ कर रहे हैं इनकी सलामती के, बोलो हर तमाम इराक के तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार सबसे अली के इन तमाम मोमिनीन को इराक के करबला के इन सबको अपने हिस्सों अमान में रख और इनको साल हर साल खिदमत करने का मौका आता फरमा, सेहत और आखिर के साथ सलामत रख, इन्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। सारे दिगर सलवात।